फाटस राहुल गांधी के गढ़ अमेठी के इस स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं सिर्फ खाने आते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक स्कूल ऐसा है जो 2012 से ही खंडहर हनुमा बिल्डिंग में चल रहा है। कक्षा 5 तक के इस स्कूल में कुल 36 बच्चे हैं, जिनमें से कभी 11 तो कभी 5 बच्चे ही स्कूल आते हैं, वो भी पढ़ने नहीं, मिड डे मील का खाना खाने के लिए। ये नज़ारा है अमेठी जिले के जामो ब्लॉक के बलभद्रपुर गांव के रानीपुर प्राथमिक विद्यालय का। स्कूल की हालत ऐसी है कि न खिड़की है और न ही पक्की फर्श, दीवार पर भी प्लास्टर नहीं किया हुआ है, टॉयलेट भी बना है लेकिन उसमें दरवाजे नहीं लगे हैं। इतना ही नहीं, साफ सफाई का कोई इंतजाम भी नहीं है। बारिश में स्कूल के छत से पानी टपकता है जिस वजह से पानी भर जाता है। बताया जा रहा है कि शुरुआत से ही इस विद्यालय को आधा अधूरा बनाकर सौंप दिया गया। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए डकार लिए गए। गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग बताते हैं कि इसको लेकर कई बार शिकायत हुई लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। वहीं इस विद्यालय में तैनात टीचर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब बरसात होती है तो छत से पानी अंदर भर जाता है। विद्यालय में रिकॉर्ड रखने की जगह नहीं है, रिकॉर्ड को थैले में रखकर गांव वालों के घरों में रखवाते हैं तो सुरक्षित रहता है। इस समस्या को लेकर अपने विभाग को कई बार अवगत कराया लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही विद्यालय में सुधार किया। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बताते हैं कि बरसात में पढ़ने के लिए इस विद्यालय में कोई सुरक्षित जगह की तो बात छोड़िए, खुद को और अपने कॉपी किताब को बचाने की जगह नहीं रहती है। जब इस मामले को लेकर अमेठी बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार पंडित से बात की तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनके सामने अभी आया है और उनकी गैर मौजूदगी का है। जैसे भी होगा जांच की जाएगी और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।